रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। कुछ ये जानना चाह रहे हैं कि जो सरसों बैन हो रखी है वो कब तक खुल सकती है। कुछ ये भी जानना चाह रहे हैं कि सरसों की कीमतें आगे कैसी रह सकती हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं फिजिकल मंडियों में 9000 के ऊपर सरसों दाना बिकता नजर आ रहा है और स्टॉक भी कम ही है इस बार। मंडियों में आवकें भी कम होती हुई नजर आ रही हैं लगातार। तो ऐसे में जब तक नई सरसों नहीं आ जाती, क्या तब तक सरसों में और भी अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, अभी सरसों के अंदर तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है और जिस तरीके से मार्केट के अंदर अभी अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, हाजिर के अंदर उसके चलते अभी अपसाइड मोमेंटम है, लेकिन सरसों कब वायदा शुरू होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी इसके लेके कोई क्लैरिटी नहीं है कि सरसों का वायदा कब शुरू होगा। लेकिन हाँ, अभी ये है कि इसके अंदर तेजी बनी रह सकती है, क्योंकि सोयाबीन भी वापिस से उठती हुई दिखाई दी और सरसों में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी बाजार जो है ऊपर जा सकते हैं। जो 9000 के आसपास मंडियों में देखने को मिल रही है वो 9500 तक से लेकर 9800 का स्तर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। और आज भी सोयाबीन में अच्छी तेजी आई है, 4% का सर्किट आज भी हमने लगते हुए बाजारों में देखा है। तो अब एडिबल ऑयल पैक में वापस से मुझे लगता है कि ट्रेडर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बाइंग बनते हुए दिखाई दे रही है। जी,